दोस्तों आपका स्वागत है एके वीडियो कलेक्शन में। मोटिवेशनल वीडियो से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो एके कलेक्शन आपके साथ लाता है। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाला गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी की ऊपरी भाग पर कुछ केले लटकाए दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वह जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सजा बाकी बंदरों को भी मिली और साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए। यह प्रक्रिया चलती रही और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता, उस पर और साथ साथ बाकी बंदरों को उसकी सजा मिलती और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी सजा सभी को मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी के सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाला गया। नए बंदर की नजर केलों पर पड़ी। नया बंदर वहां की परिस्थिति के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह बंदर सीढ़ी की तरफ भागा, बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, लेकिन जोरदार पिटाई से डर कर उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। नया बंदर बेचारा वहाँ की परिस्थिति को नहीं जानता था, इसीलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा और यह देखकर बाकी के सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे यह भी नहीं पता था कि यह पिटाई क्यों हो रही है। यह प्रक्रिया चलती रही और एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी के सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे जिनके ऊपर एक भी बार ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को यही नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया और आश्चर्य से कि फिर से वही हुआ। सारे बंदरों ने उसे नए बंदर को सीढ़ी जाने के पास रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि ये पिटाई क्यों कर रहे हैं। हमारे जीवन भी ऐसा ही कुछ होता है। अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि हम लोग प्रथाओं और रीति रिवाजों के पीछे का कारण जानने बिना ही उनका पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत को ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध करने का डर बना रहता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों को विरोध का सामना करना ही पड़ता है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से ऊपर है, लेकिन भारत खेलों में बहुत पीछे है, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में जाने से रोकते हैं, क्योंकि बाकी का सारा समाज भी ऐसा ही कर रहा है। उन्हें असफलता का डर लगा रहता है। ये बड़ी अजीब बात है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में के चपरासी के सिर्फ 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन आए थे और उनमें से भी 1.5 लाख ग्रेजुएट, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 250 आवेदक ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी। दूसरी तरफ भारत को आज भी विदेशों से लाखों करोड़ों का सामान इंपोर्ट करना पड़ता है और खेल जैसे क्षेत्र में भारत बहुत पीछे है।
संभावनाएं बहुत है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम भीड़ चाल में चलते हैं। यह हमारी मानसिकता है कि हमें पीछे ढकेल रहे हैं। हम चाहे तो बंदर की तरह लोगों को देखा देखी कर सकते हैं, या फिर खुद की स्वतंत्र सोच के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं।